में भेदभाव हुआ, अकेले सुभाष बराड़ा के गांव के 117 लड़के लगे हैं, ये कहते हुए हम निष्पक्ष हैं। अगर सुभाष बराड़ा के गांव में 117 लायक हैं और उसके लगते भिड़ते 10 गांव ऐसे हैं जिनमें एक नौकरी में नहीं, इसका मतलब वो सारे नालायक, इसका मतलब उनमें भी भेदभाव हुआ है, ऐसा नहीं है नौकरी और भेदभाव। साथियों आज फौजी दुखी क्योंकि वन रैंक वन पेंशन नहीं, कर्मचारी दुखी क्योंकि पंजाब के समान तनखा नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं, आज व्यापारी दुखी, मेरे हिसाब से तो न ही किसी के हमारे 15 लाख आए, हर किसी के 15 लाख को बैंक अकाउंट में मेरे भाई बैठे हो, 15 लाख भी किसी के दरवाड़े का काम किया ना काला धन आया, और सिर्फ कभी जाट नॉन जाट के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे बीच में दरार डालने का प्रयास किया और हमारे बीच में फूट डालकर राज करने का प्रयास किया। अब क्योंकि चुनाव है और अपना इलाका 15 साल से ग्रस्त है, उपेंद्र हुड्डा तो हमें ये समझा करता है ये तो हमें कभी हो नहीं सकते, ये बात ठीक नहीं, तो हमारी पानी की बात आई, तो हमारी नौकरी की बात आई, तो हमारे इलाके के विकास की बात आई, तो सिर्फ ये कह दिया कि नहीं ये तो चौधरी देवीलाल जी का इलाका, हमें पछाड़ने का काम किया, और बीजेपी ने कभी हमारी तरफ देखा नहीं। आज इन विकट विपरीत परिस्थितियों में जो हालात बने, हालात बदले, आपने जींद का चुनाव नजदीकी से देखा, बहुत सारी बातें जींद में लगी, और अपने यहां के जो लोग हैं वो वहां जाकर के जो पुरानी पार्टी के लोग हैं वो भी कितनी कमजोर निम्न स्तर की राजनीति वहां कर करके आए, मेरे हिसाब से सारी राजनीतिक सीमाएं पार भी हुई। ये कहा गया बार बार तो ये धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं, बच्चे हैं, मैं ये मानता हूं कि दुष्यंत जो प्रयास कर रहे हैं, दुष्यंत आपका बच्चा है इसमें कोई राय नहीं, आप बुजुर्गों का बच्चा है, नौजवानों का भाई, मगर घर में अगर बच्चा अच्छा प्रयास करे, कोई अच्छे काम करे, तो फिर बच्चे को आशीर्वाद मिलना चाहिए। वो तो इस सोच के हैं कि सब कुछ हथियार लें कब्जा लें, और मेरे हिसाब से उसने कोई कभी भी नहीं छोड़ी, डराने धमकाने में भी नहीं छोड़ी। अब पीछे से एक हमारे हल्का अध्यक्ष के नंदलाल जी के गांव में जाके आए, वहां जाकर इनको भी धमकी दे के आए। अब आप मुझे ये बताओ आने वाली राजनीति, नौजवान पीढ़ी के दोस्तों से पूछना चाहता हूँ, मेरी उम्र के दोस्तों से, आप डराने धमकाने वाली राजनीति देखना चाहते हो या गले लगाने वाली राजनीति देखना चाहते हो? अगर डराने धमकाने वाले के हिसाब से चलना है तो फिर INLD है ही, और इस व्यवस्था को परिवर्तित करना है। अब अपना राज तो आ जाए, हम भी चाहते हैं राज आए, इलाके की चौधर हो, मगर राज आए फिर वही 4-5 लोग उन्हीं की चौधर हो, उनको भाई साहब भाई साहब कह के, बड़े भाई साहब से पहले कई भाई साहब और उनकी हाजिरी मारनी पड़ेगी, मैं गलत तो नहीं कह रहा, आपके हमारे रिश्ते के बीच में कोई तीसरा बिचौलिया नहीं होना चाहिए, इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? अब कल वैसे तो मेरा छोटा भाई अर्जुन की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, मैं कहना नहीं चाहता मगर इसलिए कहनी जरूरी है क्योंकि हम तो परिवार के, ये कह भाई मैं तो दुष्यंत को हराने के लिए हिसार से चुनाव लड़ूंगा। अब जो कोई कसर थी, जो प्रयास था, वो तो इनने जींद में करके देख लिया, आपने देख लिया, तो जमानत जब्त नहीं हुई, 6 बार जमानत जब्त हुई, जमानत जब्त 21,000 हुई थी, 3,000 होगा, अब क्या दुष्यंत के सामने लड़ूंगा? इसका मतलब एक बात आप मान लो, इनका मकसद चौधरी देवीलाल जी की सोच का राज लेना नहीं रहा, इस बात से सहमत हो कि नहीं? इनका मकसद तो एक है, दुष्यंत को पीछे कर दो, ये है कि नहीं? मगर जब तक आशीर्वाद आप लोगों का, हमें इनका आशीर्वाद तो जैसा कैसा था आपको भी पता है, अपने इलाके की सिरसा जिले की चौधर आ सकती है, इलाहाबाद हल्के के लोग चंडीगढ़ में राज कर सकते हैं, तो उसका नेतृत्व दुष्यंत चौटाला कर सकता है। आज हालात है, कोई अकाली की स्टेप नहीं बढ़ना चाहते, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ये दिल्ली वाले जो है बीजेपी कांग्रेस वाले, आज यूं तो सांसद रोड़ी भी है ना, अपना उठाया 75 साल का इतिहास है, दुष्यंत चौटाला ने 621 मुद्दे उठाए, ये रिकॉर्ड है इतने मुद्दे आज तक किसी,
121 बार बहस ही भेजेंगे। हम कैंडिडेट ऐसा आपके बीच में देंगे जो दूसरे